हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल से देखिए आप समझ गए होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। टुडे आई विल बी शेयरिंग माय H&M शॉपिंग हॉल। मैं H&M से काफी शॉप करती रहती हूँ, लाइक वगैरह H&M से ले चुकी हूँ, कुछ फुटवेयर ले चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ, टॉप्स कुछ पसंद आता है, कोई ड्रेस पसंद आती है। सो आई ऑन एंड ऑफ मैं बाय करती रहती हूँ। आपने मेरे पहले काफ़ी सारे कलेक्टिव हॉल्स भी देखे होंगे H&M से रिलेटेड, तो आज मैं प्रॉपर H&M का हॉल करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से। क्वेश्चन काफी ऑफन लिखे, आपने ये डेनिम कहाँ से परचेस किया है, आपने ये पैटर्न का डेनिम कहाँ से परचेस किया है। तो यूजुअली मैं दो ही ब्रांड्स के डेनिम पहनती हूँ, उसमें से एक जो ब्रांड है दैट इज H&M। फर्स्ट पीस इज दिस इज द डेनिम। बहुत ही अमेजिंग डेनिम है। दिस इज अ रिलैक्स्ड फिट डेनिम। दिस इज रिसाइकल्ड कॉटन एंड आई एम इन द साइज 36। 36 का मतलब होता है आपका जो वेस्ट है वो 26 है। तो जो हाई वेस्ट होती हैं, जो यहाँ पर आप पहनते हो, हाई वेस्ट पे आप पहनते हो, वो सब मैं 26 पहनती हूँ। और जो लोवेस्ट होती है, मतलब जो मिड वाली वेस्ट होती है, उनको मैं 28 पहनती हूँ। तो ये साइजेस डिफर करते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका ऊपर जो आप हाई वेस्ट पहनते हो उसका साइज क्या है और जो आपका लोवेस्ट होता है उसके साइज डिफरेंट होते हैं। तो 26 मतलब 36 होता है इनका, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे को साइज का कन्फ्यूजन होता है तो आप लोगों को ना हो। सो दिस इज द डेनिम, डार्क ब्लू कलर का डेनिम है, बहुत अमेजिंग है। इसमें जो पॉकेट्स है ना वो सिर्फ यहाँ फ्रंट पे दिए हुए हैं। पहनने पे ये बहुत क्लास लगता है, एकदम स्ट्रेट फिट का इसका पैटर्न है। आई रियली लाइक जो यहाँ पर बॉटम पे किया हुआ है ना, हल्का सा फ्लेयर है, बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं है, स्ट्रेट फ्लेयर है बोलूंगी मैं। फिटिंग है फ्रॉम दी वेस्ट एंड फ्रॉम दी बट, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है और यहाँ से ये रिलैक्स फिट हो जाता है। तो आप इसको पहन करके आराम से बैठ सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, लेट सकते हो, डांस कर सकते हो, इट्स दैट कम्फर्टेबल। अलग अलग तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। आई रियली लाइक दिस। एंकल एंड डेनिम है ये, तो इसका एंकल पे साइज भी एकदम परफेक्ट बैठता है। दिस इज माई फर्स्ट जीन्स, हाईली रिकमेंडेड, आप ट्राई कर सकते हो उसको। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल फुटवेयर, ब्लैक कलर के। वैसे तो आई हैव लॉट ऑफ फुटवेयर, लाइक लॉट ऑफ हील्स एज वेल। कम्फर्टेबल हील्स पहनना पसंद करती हूँ, मुझे एकदम ऐसे पॉइंटेड वाली हील्स पहनना पसंद नहीं है। और अब तो इतना हील्स वगैरह पहनने की आदत भी नहीं है, तो यूजुअली जितनी मेरी हील्स होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है। और मेरे पैर बहुत सेंसिटिव है, मुझे बहुत जल्दी शू बाइट होता है, सो आई प्रीफर वेयरिंग हील्स जो भाई फुटवेयर जो शू बाइट वगैरह ना ले। सो दिस इज द हील्स जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। आप इसको जीन्स पे तो पहन सकते हो डेफिनेटली, ब्लेजर्स पे, आप इसको फॉर्मल्स में पहन सकते हो, आप नॉर्मली कैजुअल आउटिंग्स में पहन सकते हो, आप डेट नाइट्स में पहन सकते हो। इट्स दैट काइंड ऑफ वर्सेटाइल फुटवेयर, वेरी स्लीक, बहुत प्यारी लग रही थी पैरों में पहनने के बाद, एंड अमेजिंग, और कंफर्टेबल भी बहुत है, एंड बहुत ही फेमिनिन सा इसका लुक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, आप मल्टीपल चीज़ों पर इसको कैरी कर सकते हो, इट्स दैट ग्रेट। तो ये है मेरा जो साइज है फुटवेयर में, इट्स 37, मतलब 4 नंबर पहनती हूँ मैं। तो यस, दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। आई एम फर्स्ट टाइम डूइंग दिस H&M कोलैबोरेशन, तो आई गॉट दिस अमेजिंग एंडोर्समेंट फ्रॉम दी फेम ऐप। ये जो ऐप है एक्सक्लूसिवली बनाई गई है क्रिएटर्स के लिए। तो अगर आप क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, या आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आपका पेज है, या आप यूट्यूबर हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप एफर्टलेसली रजिस्टर करिए, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करिए, आप पूरा एक्सप्लोर करिए ना, आप शॉप कर सकते हैं। 100+ टॉप ब्रांड्स अवेलेबल है इसमें, जैसे कि मिंत्रा हो गया, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सिर्फ करना क्या है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है एंड अर्न अप टू 100% कैशबैक। कैशबैक जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेट अप आपके फेम वॉलेट में डिपॉजिट हो जाता है, आ जाता है, मतलब उसको आप अपने बैंक अकाउंट में कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। मुझे काफी अच्छी डील्स एंड अर्निंग्स मिल रही है फ्रॉम माई एंडोर्समेंट थ्रू फेम। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन द फेम क्लैन, डाउनलोड फेम ऑन प्ले स्टोर फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर राइट नाउ। कमिंग टू माई थर्ड प्रोडक्ट इज दिस ओवरसाइज्ड टी-शर्ट। एक्चुअली दिस इज इन द साइज S ओनली, बट ये पैटर्न ही ओवरसाइज्ड है, आप देख सकते हो जो शोल्डर ड्रॉप वाला पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक द वाइब ऑफ दिस टी-शर्ट, मुझे इसी तरीके के टी-शर्ट्स पहनना पसंद है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। इस तरीके के टी-शर्ट्स को अच्छे से स्टाइल करके बाहर भी पहन के जा सकते हो, डेनिम के ऊपर पहन सकते हो, दे लुक अमेजिंग और बहुत स्मार्ट लगती है ये। सो यस, दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, अगेन दिस इज अ डेनिम। इसके ऊपर मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस डेनिम के ऊपर, मैं जब भी पहनती हूँ। सो दिस इज द डेनिम, ये एकदम सिंपल H&M का डेनिम है। नाउ इसका जो साइज है इट्स 38, बिकॉज दिस इज नॉट दैट हाई,
मतलब इतनी ज्यादा हाई नहीं है, ये नॉर्मल वेस्ट पे आती है मेरे, तो ये मैंने 38 लेकर के रखा है. यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज 38. सिंपल बेसिक डेनिम होती है ये, उस तरीके की है. आई रियली लव द कलर ऑफ दिस डेनिम. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 200 तरीके से स्टाइल कर सकते हो, इट्स दैट ग्रेट. एंकल लेंथ है इसकी, फिटिंग बहुत अच्छी आती है, रिलैक्स्ड फिट है, बहुत एकदम फिटेड नहीं है. आपके अगेन यहाँ पे वेस्ट से और हिप से बहुत अच्छी फिट आती है, तो मुझे काफी अच्छी लगती है डे टू डे लाइफ में पहनने के लिए. इट्स अमेजिंग क्वालिटी, बहुत अच्छी है, बहुत बार वॉश हो चुकी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली डेनिम. एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एज वेल. सेल वगैरह में अगर आप लेते हैं तो आपको और ज्यादा कम, कभी कभी बहुत अच्छा ऑफ आ जाता है. सो दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ डेनिम, अ बूट कट डेनिम. आई रियली लव द कलर. मुझे इस तरीके के जो लाइट वॉशेज होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं. हल्का हल्का सा वॉश है इस डेनिम पे और बहुत ही प्यारा इसका कट है. नीचे से जो कट है वो बहुत प्यारा है. फिटिंग इसकी बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत कंफर्टेबल फिटिंग है ये. अगेन आप बहुत सारे तरीके से इस डेनिम को स्टाइल कर सकते हो. लुक एट द वॉश इन द मिडिल, बहुत अमेजिंग वॉश दिया हुआ है. आपके बॉडी टाइप को काफी फ्लैटरिंग बनाती है. सो दिस इज माई नेक्स्ट डेनिम. कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस टॉप. तो बेसिकली मैंने ये इसके कलर की वजह से लिया, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था. मजेंडा पिंक टाइप का है ये, बिल्कुल नॉर्मल जो साइज होता है ना, कोई ओवर साइज वगैरह नहीं है, नॉर्मल साइज में ये स्मॉल साइज है. बट स्टिल बिकॉज नाउ आई लव वेयरिंग लूज एंड ओवर साइज थिंग, आई एम गोना हैव अ बिगर साइज इन दिस वन बिकॉज दिस इज स्मॉल इन साइज. तो मैं तो मीडियम या लार्ज मंगवाऊंगी ताकि थोड़ा लूज एंड थोड़ा अच्छा लगे. इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो. जो डेनिम बताए हैं वो बहुत अच्छे रिकमेंडेशन है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. साथ ही साथ जो फुटवेयर है वो एक भी बहुत अमेजिंग है. एंड येस डेफिनेटली लव दिस टी शर्ट एज वेल. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.